अमेरिका में जब मॉम और उनका बेबी दोनों ही थक जाते हैं तो वो लोग किसी तरह से धीरे धीरे अपना सफर तय करते हैं। और जापान में जब मॉम और उनका बेबी दोनों ही थक जाते हैं तो उनकी मॉम बेबी को गोद में थोड़ा देर के लिए ले लेती है, फिर उसके बाद पैदल चलाती है और फिर उसको गोद में लेकर ऐसे ही दोनों अपना सफर तय करते हैं। और हमारे इंडिया में जब मॉम और उनका बेबी दोनों ही थक जाते हैं तब भी मॉम उन्हें अपने गोद में ले लेती है, अपनी थकान की फिक्र नहीं करती। ऐसी होती है हमारी इंडियंस मॉम। अपने बच्चे को अपने से पहले रखती है। हमारी इंडियंस मॉम के लिए एक लाइक तो बनता है, इसलिए कहते हैं ना, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट।